नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे मत जाओ कि मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया, भाई नहीं चलेगा वो नेटफ्लिक्स की तरह, नेटफ्लिक्स बहुत बड़ी कंपनी है। लो लेवल डिज़ाइन समझो, उसमें ऑप्टिमाइजेशन समझो, कैसे हो सकते हैं, कौन से पोर्टल नेक्स आ सकते हैं, और वही होती है रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट बन गया। सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, सारी कंपनीज ऐसे ही स्टार्ट होती है। एक गलती हो गई थी यहाँ पे। हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत, और आज हम बात करने वाले हैं मनदीप की प्रोजेक्ट जर्नी के बारे में। ये आ रही सीरीज का है अपना थर्ड वीडियो। हमने दो वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। पहला क्या था कि यार वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था कि मनदीप को कोडिंग अच्छी लगने लग गई। फिर अपना दूसरा वीडियो था कि कोडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए, और जो अपना आज का वीडियो है वो फोकस करेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए कि भैया आपने कोड करना सीखा है, उनकी स्किल्स को और एनहेंस करने के लिए थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए। समझ रहे हो बात? तो यार हमने ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट बना दिए थे C++ में। अब कुछ नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने का मन कर गया कि यार कुछ खतरनाक सा बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो दिमाग में नहीं आता यार कि यार रिज्यूमे में हमें प्रोजेक्ट लिखना है। थर्ड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ये सेकंड ईयर तक हमने दो प्रोजेक्ट बनाए थे। तो थर्ड ईयर में सोचा कि यार अब इंटर्नशिप लेनी है, प्रोजेक्ट्स में कोई रिज्यूमे ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे। तो अपना पहला प्रोजेक्ट था एंड्रॉयड का ऐप। तो पहले तो सबसे पहले ये सोचना था हमें कि यार बनाएं क्या। तो हमने फाइनलाइज़ किया कि एंड्रॉयड का कोई ऐप बनाएंगे, सब बनाते हैं, हम भी एक एंड्रॉयड का ऐप बनाएंगे। अब क्या बनाना है? तो हमने जो बनाया उस प्रोजेक्ट का नाम था ट्रिप काउंट। ट्रिप काउंट करता क्या है कि यार जैसे आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो घूमने के लिए, स्प्लिट वाइज का नाम सुना है ना आपने, वही है अपना प्रोजेक्ट, उससे अच्छा है अपना। तो अपना प्रोजेक्ट करता क्या है, अपना प्रोडक्ट करता क्या है, प्रोजेक्ट नहीं यार प्रोडक्ट है अपना, एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, करता क्या है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो पांच दोस्तों ने अगर कंट्रीब्यूट किया है किसी पार्टी में, कोई भी मतलब खर्च में, तो कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। नंबर एक, अपने ऐप में दो फंक्शनैलिटी, ये था नंबर वन। नंबर टू क्या था कि यार जैसे हम दो दोस्त हैं, ठीक है, एक मैं एक तू, ये वाला कौन है यहाँ पे, ठीक है, तो हम दो दोस्त हैं। अब हमारे बीच में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस चलते रहते हैं कि कभी तूने पैसे दिए, कभी मैंने दिए, कभी कोई खर्च। तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि ये डिस्क्रिप्शन और इतने पैसे थे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ये अपनी ट्रैकिंग मेंटेन रहेगी कि आपके दो दोस्त हैं, इनमें कैसे आप स्प्लिट कर रहे हो। तो एक तो ग्रुप एक्सपेंसेस हो गए, एक इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हो गए। खास बात यह थी कि मैं इसको कॉलेज में यूज़ भी करता था अपना एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए कि भाई किसको कितने पैसे दे रखे हैं कॉलेज में, यार क्या है कि 10-10 रुपये मैटर करते हैं। तो एक गलती हो गई थी यहाँ पे, इस ऐप को ना हमने प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं किया, उसके शायद 2500 रुपये लग रहे थे या फिर ऐसे कुछ। तो हमने सोचा यार कौन 2500 खर्च करेगा, मतलब कौन ही यूज़ करने वाले अपने ऐप को, तो स्प्लिट वाइज है ना पहले से, वो यूज़ कर लेंगे लोग, हमारा ऐप क्यों यूज़ करेंगे। तो उसको ना कभी हमने वो नहीं किया, अपलोड नहीं किया, कर देना चाहिए था। ये एक गलती, ये मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट काम करते हो, किसी प्रोडक्ट पे काम करते हो, कोई भी आपका छोटे से छोटा प्रोजेक्ट होता है, अगर आप उसको शेयर कर सकते हो ना लोगों के साथ तो ज़रूर करो यार। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट बन गया। सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, सारी कंपनीज ऐसे ही स्टार्ट होती है। कोई भी आप काम करते हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, अगर आपको लगता है कि वो लोगों के साथ शेयर हो सकता है, अगर आपको लगता है कि वो लोगों की हेल्प कर सकता है, तो ज़रूर उसको पब्लिशाइज करें, ज़रूर उसको लोगों के साथ शेयर करें। अब एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। तो यार अब ये कोविड चल रहा है आजकल, तो लोग क्या है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, मतलब अलग ही सीन चल रहा है। पर हमारे टाइम पे बहुत पुराने ज़माने में, हमारे टाइम पे क्या होता था, हम क्या फिज़िकली क्लासेस अटेंड करते थे, हम क्लास में जाते थे फिज़िकली, ऑनलाइन कुछ नहीं होता था, एग्ज़ाम देने जाते थे। ठीक है, तो हर कॉलेज की तरह हमारी कॉलेज में भी क्या ये कल्चरल फेस्ट्स वगैरह होते थे, स्पोर्ट फेस्ट्स वगैरह होते थे। आजकल तो कॉलेज का मतलब बस ऑनलाइन क्लास ही होता है, पहले से नहीं था। ठीक है, तो उन फेस्ट्स में क्या होता था कि बाहर के कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने को आती थी कि स्पोर्ट फेस्ट हो रहा है, कि कल्चरल वाली एक्टिविटीज़ हो रही है, इनमें बाहर की कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही है, इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लोग घूम रहे हैं। पर मनदीप, ये मैं बात बता क्यों रहा हूँ, उसका इंटेंशन हम बाद में जाएंगे। तो मनदीप क्या करता था उस टाइम पे, मनदीप पार्टिसिपेट नहीं करता था। मनदीप क्या करता था, मनदीप रहता था रूम पे। रूम पे क्या करता था,
या तो कोई टीवी सीरीज देख लो या फिर कोडिंग कर लो। ये दो टाइम थे हमारे, हम तो प्रोजेक्ट बनाते रहते थे थर्ड ईयर में। पर एक चीज़ में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, देखने को जाता था। एक तो अपना लास्ट डे होता था कोरियो, मंदीप को डांस बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और एक था अपना यार ये वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के मैच होते थे। तो अपनी कॉलेज थी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में, और वहाँ पे NDA कॉलेज वाले भी आते थे, बड़ा मस्त मैच होता था, ठीक है, तो वो देखने में चीयर करने के लिए हम जाते थे। पर उसके अलावा नो प्रेजेंस, नो सिग्नल, मंदीप नॉट फाउंड। पर ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, आप इंटरेस्टेड हो तो करो उसमें। ऐसे मत सोचो कि यार मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, मतलब लोग तो पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है। नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ नॉट अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। क्लासेस आप मतलब एग्ज़ाम के लास्ट डे पढ़ के कर सकते हो, हमने करी है ना। एग्ज़ाम्स के लिए हम इतना ही पढ़ते थे, उतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ते हम, ठीक है, उससे आ जाते हैं 70%, ज़्यादा तो फिर ठीक है, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मज़ा आता है तो यार पार्टिसिपेट करो, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सीखोगे आप, और वो किताबें कभी नहीं सिखाएगी आपकी, जो आप लोगों से इंटरेक्ट करके सीखोगे, जो उनके साथ किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके सीखोगे, वो कभी आप बुक से नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये हो गई इम्पोर्टेंट बात, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। वापस चलते हैं अब अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो अपना सेकंड प्रोजेक्ट जिसका हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो है स्नैप लुक। अब यार देखो, जो मैं आपके साथ प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ ना, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स थे, बस कुछ लर्निंग्स एसोसिएटेड थी इनसे कि यार मैंने कुछ सीखा। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके साथ मैं शेयर करूँगा, कुछ गलतियाँ हुई थी उस टाइम पे, या फिर कुछ हमने चीज़ें सीखी थी, एंड आई वॉन्ट कि आप भी उनको सीख पाओ, या फिर जो गलतियाँ हुई है वो आपसे रिपीट ना हो। तो अपना सेकेंड प्रोजेक्ट था स्नैप लुक। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था पाइथन जेंगो सीखने के लिए। करता क्या था ये कि आप क्या एक स्ट्रिंग डालो और उस हैशटैग के लिए वो अपना प्रोजेक्ट जो है क्या करेगा, अपना मतलब पाइथन जेंगो का ऐप समझ लो, क्या करेगा, ट्विटर के पास जाएगा और उस हैशटैग की सारी इमेजेस लेके आके आपको स्क्रीन पे दिखा देगा, और उसके ऊपर एक काम और करेगा, उस जो इमेज है आपकी उसका इमोशन कैसा है। कि मैंने सर्च किया हैशटैग कैटरीना, तो कैटरीना की सारी इमेज आ गई। अब कैटरीना की जो इमोशन है कि भाई कैटरीना इस फोटो में सरप्राइज लग रही है, तो आउटपुट में दिखना चाहिए इस फोटो में कैटरीना इज सरप्राइज, ठीक है। तो अब मैं आपको ये प्रोजेक्ट बता क्यों रहा हूँ कि यार ये प्रोजेक्ट मैंने स्क्रैच से नहीं बनाया था, इस प्रोजेक्ट का मैंने रेफरेंस लिया था एक दूसरे प्रोजेक्ट से, और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट बनाओ, हो सकता है कई बार आप कुछ रेफरेंसेस लो कहीं से, या फिर कोई ऊपर है, मतलब कोई एक प्रोजेक्ट है बेस मान के आप उसके ऊपर अपनी कुछ कलाकारी कर रहे हो कि ये बेस प्रोजेक्ट था, इसके अंदर और फंक्शंस में बिल्ड कर रहा हूँ, या फिर इसको और ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ कोई भी चीज़। तो बाकी लोगों का कोड पढ़ना इज़ परफेक्टली नॉर्मल, ऐसे मत सोचो कि यार मैं कुछ स्क्रैच से बिल्ड करूँगा तभी होगा। इनबिल्ट लाइब्रेरीज तो हम यूज़ करते हैं भाई, किसी भी लैंग्वेज में देखोगे इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज़ करोगे। अब एक और सजेशन यहाँ पे कि यार प्रोजेक्ट्स जब आप बनाते हो तो सिर्फ ये मोटिवेशन मत लेके मत बनाओ कि यार ये प्रोजेक्ट्स अगर मैं बनाता हूँ मेरा रिज्यूमे अच्छा हो जाएगा, मेरे को नौकरी मिल जाएगी। देखो, प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली हेल्प्स टू गेट द इंटरव्यूज एंड गेट द जॉब, डेफिनेटली हेल्प्स इन द इंटरव्यूज, पर सिर्फ वो मेन मोटिवेशन मत बनाओ। आप जब प्रोजेक्ट्स बनाते हो कॉलेज में, यू हैव द एम्पल टाइम, वहाँ पे आपको सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंट होके नहीं करना है, वो फोर्थ ईयर के लिए होता है। उससे पहले अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो यार ये सोच के बनाओ कि आप क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो अपने सिस्टम के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इस एग्जांपल में मैंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, यूज़र कौन था, मंदीप। तो क्या अपना कहता है, अपनी थी एक वेबसाइट AITplacements.com, उस वेबसाइट पर ये कोई भी अगर कंपनी विजिट कर रही है मतलब प्लेसमेंट्स के लिए, तो वहाँ पे अपडेट आती थी कि भाई ये कंपनी आ रही है, इसका ये CTC है, ये डेट है, इस दिन ऑनलाइन टेस्ट होगा वगैरह वगैरह, ये कट ऑफ है, ये सारी डिटेल्स, ठीक है। अब इस वेबसाइट में दिक्कत क्या थी, यहाँ पे यार कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था कि कब अपडेट आ रही है, तो बार बार जाके चेक करो उधर कि चलो ये अपडेट आई, अच्छा ये कंपनी आने वाली है, या फिर कोई आके बताता था। अब मंदीप के पास क्या इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार जाके वेबसाइट पे चेक करे, हम क्या रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हम ऑटोमेशन में बिलीव करते हैं। तो मंदीप ने क्या किया, लगाया दिमाग कि जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट रन होगी, और वो स्क्रिप्ट जाके चेक करेगी कि क्या कोई अपडेट आई है, और वो हर 15 मिनट में रन होगी।
अगर कोई अपडेट आई है तो मनदीप के मोबाइल पे मैसेज भेज दो और डेस्कटॉप पे आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो मनदीप को पता लग गया कि हाँ भाई नई अपडेट आई है, जाके देख ले उधर, कंपनी आ रही है ये देख ले कट ऑफ तेरे को ले रही है या नहीं ले रही है, उसकी अलग कहानी है। हमने एक बैकलॉग वाला यार वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मनदीप के बैकलॉग आ गई थी थर्ड ईयर में, तो मनदीप को कंपनी जैसे अलाउ ही नहीं करती थी कि भाई तू नहीं, तेरे को नहीं ले सकते हम इंटरव्यूज़ के लिए, तू लायक नहीं है, ठीक है अलग कहानी है वो, तो वो वीडियो देख सकते हो आप अगेन, ठीक है। उसका बेहतर वर्जन हम बनाएंगे इसी सीरीज़ के पार्ट में, पर अभी के लिए आप वो वीडियो देख के आओ, इस वीडियो के बाद में देखना, इसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आप मेन मोटिवेशन समझे होंगे कि यार एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे। और एक और बात, आजकल मैंने काफ़ी रिज्यूमेज में देखा है कि हम फैंसी प्रोजेक्ट्स की तरह ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया, मैंने कोई फूड ऐप बना दिया, मैंने कुछ भी बना दिया। उस ऐप में अगर आप देखोगे, उस वेबसाइट में अगर आप देखोगे, तो उसमें फ्रंट एंड के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखो अगर आपको फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है देन इट्स ओके, यू आर गुड। पर अगर आप बैक एंड इंजीनियर बनना चाहते हो तो यार यूआई मतलब क्यों कर रहे हो, सिंपल यूआई इज ओके ना। देखो अगर आपका एक यूज़र के लिए एप्लीकेशन बनाई तो ठीक है, वो चल रही है, आपने दिखाया कि हाँ ऐसे फूड ऑर्डर हो जाता है, ऐसे डिलीवर हो जाता है, ऐसे आप कार्ट में ऐड कर रहे हो, अमेज़ॉन का क्लोन बना दिया, पर क्या आपने जो बनाया है वो 100 यूज़र्स के लिए चलेगा? क्या जो आपने एप्लीकेशन बनाई है वो 1000 यूज़र्स के लिए चलेगा? दैट्स द रियल क्वेश्चन। अभी यार मैं अगर आपको बोलूँ कि फेसबुक बना दो तो आप बना दोगे, पर क्या वो इतना ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा जितना फेसबुक सर्व करता है? दैट्स द रियल क्वेश्चन अगेन, समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पे अपनी स्किल्स पे आप फोकस करो कि भाई मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, इसमें ये कंपोनेंट है जिसको और ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे मत जाओ कि मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया, भाई नहीं चलेगा वो नेटफ्लिक्स की तरह, नेटफ्लिक्स बहुत बड़ी कंपनी है। तुम उसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट उठाओ, उसमें ऑप्टिमाइजेशन सोचो, और वो अगर आप रिज्यूमे में ऐड करते हो तो वो वैल्यू ऐड है। नेटफ्लिक्स का ऐप वैल्यू ऐड नहीं है, वो बस एक बार दिखता है कि तुमने नेटफ्लिक्स बनाया है, पर नहीं बनाया ना तुमने तुमने एक फ्रंट फेसिंग वेबसाइट बनाई है, तुमने एक फ्रंट एक फेसिंग यूआई बनाई है जो कोई काम की नहीं है। इससे अच्छा एक बैकएंड का एक कंपोनेंट उठाओ और उसको अच्छे से करो, लो लेवल डिज़ाइन समझो, उसमें ऑप्टिमाइजेशन समझो, कैसे हो सकते हैं, कौन से पोर्टल नेक्स आ सकते हैं, और वही होती है रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यार इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। जो इस सीरीज़ में अपना नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में कि भाई रिजेक्शन स्टोरी कैसी थी, कैसे अप्लाई किया, कौन सी इंटर्नशिप मिली, क्या मज़ा आया। तो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वही मज़ेदार किस्सों के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।